हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद जाकिर और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ए वेब गैलरी, मतलब फोटोशॉप के अंदर हम एक वेब गैलरी किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा उन इमेजेस को जिन इमेजेस को लेके हमें एक वेब गैलरी बनानी है। तो उसके लिए हम जाते हैं फाइल मेन्यू में और यूज़ करते हैं ओपन ऑप्शन, कंट्रोल ओ इसका शॉर्टकट है, यहाँ से ओपन कीजिए। ये चारों इमेजेस हैं जिनको लेके हमें एक वेब गैलरी बनानी है। बट जब हम इन इमेजेस को सिलेक्ट करके ओपन करते हैं तो ये सारी इमेजेस अलग अलग टैब के अंदर ओपन होती हैं, जबकि मुझे ये चारों इमेजेस एक ही फाइल में चाहिए। तो इसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। पहले मैं इन सारी टैब्स को बंद कर देता हूँ, फाइल में जाते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोड फाइल्स इनटू स्टैक। इसका यूज़ करने से क्या हुआ, इसका यूज़ करने से जितनी भी इमेजेस हैं वो सभी एक ही फाइल में आ जाएंगी। यहाँ से करते हैं हम ब्राउज और इन्हीं चारों इमेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्लिक करना है ओके पर। ओके इसको कर दीजिए। ये देखिए वन बाय वन करके एक एक करके सारे इमेजेस एक ही फाइल के अंदर यहाँ पर ये मेरे पास आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे विंडो मेन्यू में और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टाइमलाइन। इस टाइमलाइन पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने से ये टाइमलाइन की ये एक विंडो, एक पैलेट यहाँ पे खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो तरह का एनिमेशन होता है, एक ये टाइमलाइन एनिमेशन है और एक फ्रेम एनिमेशन है। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पर एक फ्रेम एनिमेशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो बस हमें यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। अब हमें क्या करना है, इन सारी लेयर्स को फ्रेम के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये जो हमारा पैनल है टाइमलाइन, इसके पॉपअप मेन्यू पे यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके हमें एक ऑप्शन मिलेगा मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स, हमें यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने से क्या हुआ, जितनी भी लेयर्स थी वो सब एज ए फ्रेम यहाँ पर आ गई हैं, यानी कि ये हमारा टाइमलाइन है, इसी के थ्रू आपका एनिमेशन जनरेट होगा। यहाँ पर ये प्ले का ऑप्शन है जिससे हम एनिमेशन प्ले कर सकते हैं, अभी भी आप प्ले कर सकते हैं। बस यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो ये एनिमेशन बड़ी तेज़ी के साथ हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो टाइमिंग आप देख रहे हैं ये 0 सेकंड दिया हुआ है। अगर इसका टाइम अगर हमें बढ़ाना है तो हम टाइम बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट वाले फ्रेम पर सेलेक्ट कीजिए और होल्ड डाउन द शिफ्ट की को दबाना है और इस वाले लास्ट वाले फ्रेम पर आपको ऐसे क्लिक करना है और यहाँ जो ये टाइम आ रहा है 0 सेकंड, आप यहीं पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी टाइम आप लेना चाहो वो ले सकते हो। फिलहाल मैं इसको 1 सेकंड ले लेता हूँ और इसके बाद फिर हम इसको यहाँ से प्ले कर लेते हैं। तो ये देखिए हर 1 सेकंड के बाद एक दूसरी इमेज हमें यहाँ पे दिखेगी। इसी के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन भी है वंस, यानी कि ये सिर्फ एक बार एनिमेशन चलेगा और एक बार चलने के बाद अपने आप स्टॉप हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेशन चलता रहे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसी वंस पे और यहाँ पे फॉर एवर आप चूज़ कर लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से हम प्ले कर लेते हैं अपने एनिमेशन को। तो ये देखिए हर 1 सेकंड के बाद एक दूसरा फ्रेम चल रहा है और अभी जो ये टाइम ले रहा है 1 सेकंड का और ये लूप में अब एनिमेशन चल रहा है, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको फ़िलहाल अभी हम यहाँ से पॉज कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो इमेजेस हैं, अभी फ़िलहाल जैसे ये इमेज है, फिर जैसे ये दूसरी इमेज यहाँ पे दिखी, हम चाहते हैं कि एक इमेज धीरे धीरे डिसअपियर हो जाए, धीरे धीरे गायब हो और दूसरी इमेज अपियर होनी शुरू हो जाए, दूसरी इमेज दिखनी शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा ट्विन्स का। तो ट्विन्स के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट हमारा फ्रेम है और ये सेकेंड फ्रेम है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि कंट्रोल की प्रेस करके आप दूसरे फ्रेम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये दोनों फ्रेम सेलेक्ट हैं। अब इन दोनों फ्रेम के बीच में हमें ट्वीन्स जनरेट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्वीन एनिमेशन फ्रेम, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेम्स आपको ऐड करने हैं इन दोनों इमेज के बीच में, आप कितने फ्रेम डालना चाहते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर अभी 10 फ्रेम डाल देता हूँ, आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, बस यहाँ पर आपको ओके करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये जो फ्रेम है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है और जो दूसरा फ्रेम है वो धीरे धीरे अपियर होना शुरू हो गया है, धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। ये देखिए
तो इसी तरीके से मुझे सभी के बीच में करना पड़ेगा। अब मैं इस वाली इमेज को और कंट्रोल के साथ इस इमेज को सेट कर लेता हूँ, और अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट लाइक ट्विन एनिमेशन फ्रेम्स पर, बस यहाँ पर क्लिक करना है। और इस बार भी मैं 10 फ्रेम ले लेता हूँ, इसको करते हैं ओके। ये देखिए इस तरीके से फ्रेम्स जनरेट हो गए। फिर इस फ्रेम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इस वाले फ्रेम को सिलेक्ट किया, और फिर हम यहाँ से ट्विन्स जनरेट कर लेते हैं। बस यहाँ पे क्लिक करना है और 10 फ्रेम ओके कर लेते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर कुछ आ जाएगा। फर्स्ट वाले फ्रेम के साथ भी हमें करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं फर्स्ट वाले फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और इसी के पॉपअप मेन्यू में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी फ्रेम्स। कॉपी फ्रेम करने के बाद आ जाते हैं लास्ट वाले फ्रेम पे, इसको कर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट। और फिर हम दोबारा इसी पॉपअप मेन्यू के इसी ऑप्शन पे जाएंगे और इसको करेंगे पेस्ट फ्रेम्स। पेस्ट आफ्टर सिलेक्शन क्लिक ओके लाइक दिस। फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ इस वाले फ्रेम को भी सिलेक्ट करना है और जनरेट कर लेते हैं ट्विन्स। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है ट्विन एनिमेशन फ्रेम, और इस बार भी हम 10 फ्रेम ले लेते हैं और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये मल्टीपल फ्रेम्स जनरेट कर लिए। इनकी टाइमिंग अभी 1 सेकेंड दी हुई है, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया फर्स्ट वाले फ्रेम को और शिफ्ट के साथ एकदम लास्ट वाले फ्रेम पे हमें क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करके, और हम इसको फिलहाल अभी मैं इसको कर देता हूँ नो डिले लाइक दिस, कोई डिले नहीं होगा। अब यहाँ से हमें इसको एनिमेशन को प्ले करना है, तो ये ऑप्शन है प्ले एनिमेशन, बस यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और ये देखिए ये आपका एनिमेशन स्टार्ट हो गया। बट यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम जो जनरेट हो रही है वो ये है कि ये ट्रांसपेरेंट के पिक्सल्स ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ठीक है। अगर आपको ये पिक्सल्स आप नहीं चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से एक नई लेयर जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट ए न्यू लेयर, ये एक नई लेयर जनरेट करी। अब इसके अंदर मैं वाइट कलर फिल कर देता हूँ। कलर फिल करने के लिए हमें जाना होगा एडिट मेन्यू में, और यहाँ पर ऑप्शन होता है फिल, शिफ्ट F5 इसका शॉर्टकट है, बस यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और मुझे वो वाइट कलर फिल करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कलर स्वेचेज में जो फोरग्राउंड कलर है वो क्या है, वो ब्लैक है, और जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है। तो इसीलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसको कर देते हैं ओके। ये देखिए इस फ्रेम को बस ऐसे ही ड्रैग करके सबसे नीचे ला के छोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से। और अब हमें जाना होगा टाइम लाइन के इस पॉपअप मेन्यू में, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और हमें यहाँ पे यूज़ करना है ये ऑप्शन मैच लेयर अक्रॉस फ्रेम्स, ये मैच कर देगा इसको। बस यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, इसको कीजिए ओके अगेन। फिर इसको एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं, ये प्ले का बटन है, बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हम इस एनिमेशन को सेव भी कर सकते हैं। इस एनिमेशन को सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल मेन्यू में और यहाँ पर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में ऑप्शन होता है सेव फॉर वेब, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस इसका शॉर्टकट होता है, आप बस यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको जिफ फाइल फॉर्मेट जो है ये सिलेक्ट करके रखना है। ये सही जेपीजी पीएनजी भी आपको मिल जाएंगे, बट आपको यहाँ पे लेना है जिफ फाइल फॉर्मेट क्योंकि जिफ एनिमेशन को सपोर्ट करता है। और यहाँ से आप क्लिक कीजिए इस सेव बटन पर, कहाँ पर आपको सेव करना है आप लोकेशन ले लीजिए और बस यहाँ पर सेव बटन दबा दीजिए, इससे आपका ये जिफ एनिमेशन सेव हो जाएगा। हम इसको चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपका जिफ एनिमेशन सेव हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप और भी नए नए वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे YouTube चैनल द ग्राफिक डिज़ाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बस सीखते रहिए। धन्यवाद।